So, hello dear students, I am going to tell you again and what is happening in this lesson. So, as I told you yesterday also, this lesson is an illusion. ये लेसन एक इल्यूजन है, एक बहम है, एक भ्रम है. ओके, ये जो बहम है हमारा, जो भ्रम है, ये चार्ली स्पेंस के साथ हैपन होता है. चार्ली इज नॉट हैप्पी विद हिज लिविंग. Yes, because that is World War II going on, and due to World War II, some other things also happen. His personal problems are also there. He is worried about his personal life also. He is worried about the wars. He is feeling insecure. तो वो चीजों से घिरा हुआ है, वो परेशान है, वो फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है उनसे परेशान है, वो परेशान है जो वॉर चल रहे थे, युद्ध किसी भी टाइम हो सकते थे, वो उनसे परेशान है. तो उन सभी चीजों से वो परेशान है, और उस परेशानी के बीच में वो अपने घर आ रहा होता है. कहाँ से? अपने वर्क से, अपने ऑफिस से. जब वो अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है, क्योंकि बस से चलने पे उसको ज्यादा टाइम लगने वाला था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं ट्रेन से जाऊंगा. बट वो ट्रेन से जाता है तो वो लेवल पे पहुंचता है, लेवल वन पे, तो वहां पे ट्रेन उसकी वहां से मिस हो चुकी होती है. एंड नेक्स्ट ही रीच्ड ऑन द लेवल सेकंड, तो सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है तो वहां पर भी उसकी ट्रेन मिस हो चुकी होती है, वहां से भी उसकी ट्रेन मिस हो जाती है. तो फिर वो सोचता है कि मैं यार चलो वापिस पे फर्स्ट लेवल पे चलते हैं. तो वो फर्स्ट लेवल पे आ रहा होता है या सेकंड लेवल पे जा रहा होता है, आ रहा होता है, तो वो हर बार कोई ना कोई नए नए रास्ते, नए नए दरवाजों से निकलता है. तो अब वो एक ऐसे दरवाजे में चला जाता है जहां पे उसको क्या दिखाई देता है कि वहां पे उसको एक टनल दिखाई देती है लगभग 1 किलोमीटर की. तो उस टनल में चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, और वो पहुंच जाता है एक दूसरी दुनिया में, और वो लेवल है 3 लेवल्स. जब हमने इस लेसन को स्टार्ट किया था, तो उस लेसन को जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे राइटर जो है हमें बता रहा था क्या कि भाई वहां के जो सेंट्रल जो प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल जो ग्रैंड सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जो न्यूयॉर्क में है, वहां पे वहां के जो ऑफिसर्स थे वो बता रहे थे कि भाई सिर्फ हमारे स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल हैं. बट चार्ली कहता है कि नहीं 3 है, और इसी बात पे उनकी बहस हो जाती है कि 3 है. और वो कहता है कि मैंने अपने दोस्त, अपने जो एक साइकेट्रिस्ट है, अब मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, मैंने उससे भी बात की, वो भी कहता है कि हाँ भाई 3 लेवल हैं. ओके, मैंने अपने दोस्तों से, दूसरे दोस्तों से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि 3 लेवल हैं. तो फिर आप इस बात से क्यों मना कर रहे हैं कि 3 लेवल नहीं हैं? तो 3 लेवल हैं. तो ऑफिसर्स मना कर रहे हैं, चार्ली कह रहा है कि नहीं 3 लेवल हैं. तो अब वो 3 लेवल है, वो थर्ड लेवल कौन सा है? वो थर्ड लेवल उसकी इमेजिनेशन है, वो थर्ड लेवल उसका इल्यूजन है, वो थर्ड लेवल उसका वहम है, वो थर्ड लेवल उसका भ्रम है. और उसी भ्रम में वो घूम जाता है और वो हमें डिस्कस करता है. अब वो थर्ड लेवल क्या है, कैसे आता है? देखिए, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारी जो लाइफ है या हमारी जो हमारा जो मन है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, कहाँ पे पहुंच जाता है. और जो हमारा मन है, मीन हमारे लाइफ में डायमेंशन 2 है, ठीक है? एक हम देखते हैं, एक हम जो ना एक जो हम देखते हैं और जो हम करते हैं. अब उससे आगे हम सोचते हैं, सोच हमारी पता नहीं कहाँ चली जाती है, हम कहाँ चले जाते हैं. हम बैठे अपने घर पे हैं, सोच रहे हैं हम अमेरिका के बारे में, बैठे हम अपने घर पे हैं, सोच रहे हैं हम लंदन के शहर के बारे में, बैठे हम अपने घर पे हैं, हम सोच रहे हैं न्यूयॉर्क के बारे में. तो दैट इज, व्हाट इज दैट? दैट इज इमेजिनेशन. और वो इमेजिनेशन में मीन कहें तो हम एक कहें तो एक सपना. ओके, और सपना भी कौन सा? खुली आंखों वाला सपना. ओके, और खुली आंखों वाले सपने में वो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, और वही है उसका थर्ड लेवल. तो देखिए बेटा जी, मैं लेसन को दोबारा से आपके साथ शेयर करूं तो मैं नहीं मानता कि आप उसको, ठीक है ना, अब हम दोबारा से फिर उसको जाएंगे पढ़ेंगे, नहीं. लेकिन मैं उस लेसन में आगे चलूंगा. बट मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, बताने की कि वो थर्ड लेवल है क्या. थर्ड लेवल यहाँ पे हमारी हमारा इल्यूजन है, हमारा बहम है, हमारा भ्रम है. दैट इज थर्ड लेवल. And he is not going on. There is no third level on the station also. No, but he is thinking about the third level. And what is the third level? Okay, एक तो level वो था कि एक level पे एक हमारा जो कहते हैं platform, दूसरा platform या level, उसके ऊपर हम buildings बनाते, वो level है. अब तीसरा level आता है तो वो चला जाता है 1900 में, 19वीं सदी में चला जाता है, वो पीछे चला जाता है.
ठीक है ना, जहाँ पे बिल्कुल शांति होती है उस जगह पे वो चला जाता है, और वो उसी चीज की डिमांड कर रहा होता है कि मेरे पास ये चीजें हो, शांति हो, है ना, कोई टेंशन ना हो, घर परिवार की जो चिंताएं हैं वो भी मेरे पास ना हो, तो वो शांति वाले माहौल में चला जाता है, क्योंकि उसकी थिंकिंग ऐसी बनी हुई थी। तो ये था हमारा इस लेसन का, और इस लेसन में हमने जो बताया है, होप यू गॉट इट, चो थैंक्स। तो मैं अभी लेसन दूसरा हम स्टार्ट करेंगे, उससे आगे हम चलेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वन। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, एंड नाउ ही इज गोइंग टू टेल हिज थर्ड लेवल। सो मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं एक सीधा साधा सा सिंपल सा एक आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, और माई एज इज 31 ईयर्स ओल्ड, एंड आई एम वेयरिंग अ 10 गबार्डिन शूट, और मैंने एक 10 गबार्डिन बहुत ही अच्छे कपड़े का एक सूट पहन रखा है, एंड एक्स्ट्रा हैट, और मैंने अपने सिर पे एक हैट एक्स्ट्रा एक घास की टोपी पहन रखी है विद ए फैंसी बैंड, और उस टोप के ऊपर एक फैंसी बैंड भी बना हुआ है। आई पास अ डजन मैन, मैं बहुत सारे लोगों के पास से निकला गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो लोग मेरी तरह दिख रहे थे, एंड आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ लुइजा के पास जल्दी से जाना था। ही वॉज इन हरी। यस आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। अब ये वैंडरबिल्ट एवेन्यू जो है, वैंडरबिल्ट एवेन्यू एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पास से एक टर्न है, मोड़ है, उस मोड़ से वो मुड़ता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए। सो एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और वो नीचे फर्स्ट लेवल पे गया। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से ट्रेन 20th सेंचुरी 20वीं सदी की मीन मॉडर्न ट्रेन वहां से मिलती है। Then I walk down another flight to the second level. फिर वहां से उसकी ट्रेन छूट जाती है फर्स्ट लेवल से, जहां पे 20th सेंचुरी की मीन मॉडर्न टाइप की ट्रेन मिल रही थी, तो अब वो जाता है सेकेंड लेवल पे। Where the sub urban trains live from dug into a arched doorway heading for the subway and got lost. तो फिर क्या हुआ कि वो दूसरे लेवल पे पहुंचता है, और वहां पे सब अर्बन मीन छोटे शहरों वाले को जाने वाली ट्रेन मिलती हैं, तो वहां पे वो पहुंच जाता है। एंड ये डग्ड ट्रेन लीव फ्रॉम एंड डग्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे। आर्च्ड मीन क्या होता है बेटा जी, आपने देखा होगा कभी कभी किसी घर में दरवाजा हो जाता है तो उसकी जो आर्क की शेप बना दी जाती है, ऊपर से उसको गोल कर दिया जाता है, दैट इज आर्क्ड डोरवे हेडिंग टू द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। ओके, और उसमें मैं अंदर गया, खो गया। Yes, you. That is easy to do. और ऐसा करना आसान था। I have been in. मैं अंदर गया and out of Grand Central hundreds of time. Okay, मैं उससे पहले भी Grand Central से कई बार अंदर आ जा चुका था। But I am always bumping into my new doorways. But मेरी एक आदत थी कि मैं हर बार एक नए नए दरवाजों में घूमता रहता था, नए नए दरवाजे लेता रहता था कहीं भी जाने आने के लिए। And stairs, और नई नई stairs का यूज कर रहा होता था। Yes, you. Once I got into a tunnel. तो ऐसे करते करते मैं एक टनल में घुस गया। About a mile long, और वो टर्न लगभग 1 मील लंबी, and came out in the lobby of a Roosevelt Hotel. और जब मैं उस टनल में चलता रहा, after 1 मील, 1 मील चलने के बाद मुझे रूजवेल्ट जो कि बहुत पुराने है ना राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, तो उनका होटल मुझे दिखाई दिया। Another time I came up an office building, और मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक office building दिखाई दी on 46th Street. Okay, 46th Street में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दी। ओके, ऑफिस की बिल्डिंग थी वो, और नंबर स्ट्रीट जो जो था वो क्या था, 46 नंबर था, एंड 3 ब्लॉक्स अवे, और वो 3 दुकानें छोड़ करके 3 कदम आगे। यस, तो अभी जब वो पहुंच जाता है थर्ड लेवल पे, तो वो पहुंचता है एक टनल से, और टनल में वो पहुंच करके क्या देखता है कि वहां पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, उसका होटल उसको दिखाई देता है, और फिर उसको एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि नंबर 46 में की गली में वो बिल्डिंग थी। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। तो पहले तो मैंने सोचा कि भाई ये तो ग्रैंड सेंट्रल जो है ना, ये तो एक ट्री की तरह बढ़ रहा है, एंड पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, और इसकी दो ना अलग अलग जड़ें, जड़ों की तरह कॉरिडोर्स बन रहे हैं, स्टेयरकेस बन रहे हैं, पेडियां बनी हुई हैं, है ना, बहुत सारा ये तो फैला हुआ है।
सो देर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, वो एक लंबी टनल थी दैट नोबडी नोज अबाउट फिलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और किसी को नहीं पता था कि वो टनल अभी भी शहर के नीचे थी, एंड ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर ए सेंट्रल पार्क टू सेंट्रल पार्क, जो टाइम्स स्क्वायर मीन एक चौराहे के पर पहुंचता है, ओके, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और फिर वो वहां से आगे सेंट्रल पार्क पे निकलता है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट a way of escape, maybe that is how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. So aage kya kaha usne, so many people through the years, ye bahut sare log yahan se guzre honge grand central station se hote hue, has been an exit, kyunki ye grand central ka exit hai, and way of escape, aur ye ek bachne ka rasta hai, maybe that is how the tunnel I got into, isiliye main us tunnel mein aa gaya tha bachte bachate, but I never told my psychiatrist friend about that idea, but maine apne psychiatrist friend ko ye idea nahi bataya tha, ye baat maine nahi batayi thi ki main kis tarah se wahan tunnel mein pahuncha. That corridor, the corridor I was in begin, okay, jo baranda tha, jo corridor tha, jo galiyara tha, us galiyare mein jab main aage badh raha tha, angling left and slanting downwards, angling left wo left mein mud raha tha, और स्लेंटिंग डाउन वो नीचे एकदम से स्लैप होके स्लेंटिंग होता ना ऐसे टेडी टेडी लाइन है ना, तो टेडी डाउनवर्ड्स नीचे जा रहा था, एंड आई थॉट दैट आई वाज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि मैं तो गलत आ गया हूँ, उसने सोचा कि भाई रास्ते मैंने देखे नहीं है, उसने सोचा कि मैं गलत आ गया हूँ, बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग, बट मैं चलता रहा. ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुटस्टेप्स, और वहां पे सिर्फ मैं जो सुन सकता था वो सुन सकता था सिर्फ मेरे कदमों की खुद की आवाज. यस, एंड आई डिड नॉट पास अ शॉल, ओके, और कोई मेरे पास नहीं था. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोअर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. सो देन आई हर्ड, और फिर मैंने सुना क्या, दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोअर, कि लोग वहां पे बातें कर रहे थे मेरे आगे, एंड दैट मीन्स ओपन स्पेस, मीन टू से कि आगे खुला मैदान था और उस खुले मैदान में लोग थे और वो बातें कर रहे थे. द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और टनल फिर शार्प अपने लेफ्ट में, मेरे लेफ्ट में बिल्कुल शार्प एकदम खड़े मतलब मुड़ गई. आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर वहां से मुझे स्टेयर्स मिली, मैं पेड़ियां मैंने वहां से सीढ़ियां ली, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं वहां पर थर्ड लेवल पे आ गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल, एक टाइम के लिए तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से वापस उसी सेकंड लेवल पे आ गया हूँ, बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, बट मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो कमरे थे वो छोटे हैं. देर वर फ्यूवर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, कि वहां पे फ्यूवर टिकट विंडो, वहां पे सेकेंड लेवल से कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में या कम नंबर में विंडो भी कम थी, टिकट विंडो कम थी, ओके, ट्रेन गेट्स थे वो भी कम थे, एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द एंटायर सेंटर वाज वुड ऑन एंड ओल्ड लुकिंग, ओके, और जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी बूथ्स के ऊपर, जो हम एक मतलब बना देते हैं, नेम प्लेट बना के लगा देते हैं किसी भी बूथ के ऊपर, तो वो बूथ के ऊपर लगी हुई जो प्लेट थी वो वुड की थी और ओल्ड लुकिंग थी, पुरानी दिखने वाली थी. एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई सेट एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और जो लोग थे वहां पे जो बूथ पे काम कर रहे थे उन्होंने ग्रीन आई सेट के कपड़े पहने हुए थे, लॉन्ग ब्लैक और लंबे लंबे स्लीव के, यानी कि ब्लैक स्लीव के फुल बाजुओं वाले प्रोटेक्टर पहने हुए थे. द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वहां पे जो लाइट्स थी वो डिम थी, बंद थी, एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और ऐसे वो टिमटिमा रही थी. देन आई शॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और फिर मैंने देखा कि वो लोग तो गैस लाइट्स जला रहे थे. मीन अब तो 20th सेंचुरी की अगर बात करें तो वहां पे तो ट्रेन्स भी डिफरेंट थी, वहां पे बात करें तो वहां पे तो लाइट थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, अब वहां पे गैस लाइट्स जलाई हुई थी. देयर वर ब्रास स्पून्स, देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. स्पिटून्स क्या होते हैं भाई, स्पिटून्स, देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. स्पिटून्स मीन क्या होते हैं, जिसमें हम मीन जो कहें तो डस्टबिन, या मीन जो कहें तो हम स्पिटून्स होते हैं थूकदान, जिसमें थूका जाता है, वो रखे हुए थे फ्लोर पे, और वो थे ब्रास के, वो थे तांबे के.
एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिम ऑफ लाइट कॉट माई आई। तो स्टेशन से पार मैंने एक लाइट देखी और उस लाइट की चमक ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच, और एक आदमी जो था वो गोल्ड वॉच पहने हुए था, फ्रॉम हिज सॉरी पुलिंग खींच रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, उसकी पॉकेट से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ओके ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने एकदम झटके के साथ कवर को खोला। एंड ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट, उसने अपनी घड़ी को देखा, ग्लैंस मीन अपनी घड़ी को देखा एंड फ्रॉन्ट, और वो गुस्सा हुआ। ही वॉर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी, एक टेडी टोपी पहनी हुई थी। ए ब्लैक फॉर बटन शूट, और एक उसने चार बटन लगा हुआ ब्लैक सूट पहना हुआ था। विद टिनी लेपल्स, और उसपे छोटे छोटे से ना लेपल्स बने हुए थे, उसपे छोटे छोटे से ना मतलब बॉक्स बने हुए थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेज, और उसकी जो मूछे थी वो बड़ी और काली मूछे थी। देन आई लुक्ड अराउंड, मैंने अपने चारों ओर देखा, एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग। जब मैंने इन लोगों को देखा तो वहां पे जितने भी लोग थे वो सभी के सभी लोग जो थे 18वीं और 19वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे। आई नेवर सा सो मेनी बियर्ड्स, इससे पहले मैंने इतनी सारी दाढ़ियां नहीं देखी, साइड बर्न्स नहीं देखी एंड फैंसी मस्टेज इन माय लाइफ, और ना ही इतनी सारी मूछे, जो फैंसी मूछे लोगों के पास थी 1819 में, इतनी मूछे और मैंने दाढ़ियां वहां पे लोगों को देखी। ए वुमेन वॉकड इन थ्रू ए ट्रेन गेट, तो एक औरत आ रही थी वो ट्रेन गेट से। एंड सी वॉर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड सकर्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, तो फिर उस औरत के बारे में बताया गया कि सी वॉर, उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी विद ए लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ओके जो उसकी टांगे थी वो लेग मटन की यानी कि स्किन की टांगे थी, यानी कि किसी की दूसरे जो जानवर होता है उसकी स्किन से बनी हुई पैंट उसने पहन रखी थी। यस यू एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और उस हाई बटन मीन उस बड़े बड़े शूज उसने पहन रखे थे और वो बटन उनके ऊपर उसने एक टॉप पहन रखा था, स्कर्ट्स पहन रखी थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्प्स ऑफ लोकोमोटिव ए स्मॉल कोरियर एंड आइस लोकोमोटिव विद फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू। तो फिर वहां पे अब ये क्या है, ये है इंजन लोकोमोटिव, ये इंजन है और ये इंजन ग्लिम्प्स ऑफ लोकोमोटिव जो कि गैस गैस से चलने वाले इंजन थे, या चाहे कहें तो हम भाप से चलने वाले जो इंजन थे वो इंजन उसने वहां पे देखे। यस यू, और वो उसमें मालगाड़ी के लिए भी यूज हो रहे थे और वो पैसेंजर ट्रेन के लिए भी यूज किए जा रहे थे। टू मेक श्योर आई वॉक ओवर टू ए न्यूज बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, तो टू मेक श्योर ये पक्का करने के लिए, पता लगाने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज बॉय, तो मैं एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लैंस्ड, और मैंने देखा एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, के उसके पैरों में अखबार का न्यूज़पेपर्स का ढेर लगा हुआ था। यस यू, इट वॉज द वर्ल्ड, उसमें पेपर में थे द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर तो अब तक मतलब आज पब्लिश होता ही नहीं है, इसको जो तो छपता ही नहीं है, बट उस लड़के के पास न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजेंट क्लीवलैंड, ओके, और आगे की कहानी जो थी वो क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894, तो उस जो न्यूज़पेपर था न्यूज़पेपर में प्रेजिडेंट राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में छपा हुआ था, और ये क्लीवलैंड के बारे में मैंने पढ़ा था पब्लिक लाइब्रेरी में, और ये छपा था 11 जून 1894 को। यस, सो नेक्स्ट बेटा, अप टू हियर वी विल डू, एंड वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।